अब पंचकुला से खबर है जहां दो दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव का आयोजन हुआ है। सीएम मनोहर लाल ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। केंद्र और राज्य के करीब 200 पदाधिकारी इस कार्यक्रम में शामिल हुए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कॉन्क्लेव को संबोधित भी किया। बारिश के पानी का संग्रह करके हम इस्तेमाल करते हैं, ये मुख्यमंत्री ने कहा, और कैसे पानी को बचाया जा सकता है, जल ही जीवन है, इस आधार पर उन्होंने कई बातें रखी हैं और कई मंत्र दिए हैं। सीएम मनोहर लाल ने कॉन्क्लेव को संबोधित किया है, कॉन्क्लेव का उद्घाटन किया है। बारिश के पानी का कैसे संग्रह करके हम उसका इस्तेमाल करते हैं, इसके बारे में भी उन्होंने जानकारी दी है। तो मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने दो दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव 2023 का उद्घाटन किया है। तो पंचकुला में हरियाणा सिंचाई और जल संसाधन विभाग और हरियाणा जल संसाधन प्राधिकरण की ओर से दो दिवसीय वाटर कॉन्क्लेव 2023 का आयोजन किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने कॉन्क्लेव का शुभारंभ किया। कॉन्क्लेव में केंद्र और राज्य के करीब 200 पदाधिकारी शामिल हुए हैं। मैक्सिस पुरस्कार विजेता जल पुरुष डॉक्टर राजेंद्र सिंह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से इस कॉन्क्लेव से जुड़ेंगे। वहीं मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कॉन्क्लेव को संबोधित करते हुए कहा कि जैसे जैसे जरूरत बढ़ती जा रही है, पानी सीमित होता जा रहा है। हरियाणा में बारिश की 150 मिलीमीटर की एवरेज है। इस दौरान उन्होंने कहा कि SYL के निर्माण न होने के चलते भाखड़ा रावी ब्यास का पानी का नहीं मिल पा रहा है, और साथ ही उन्होंने कहा कि दिल्ली को भी सुनिश्चित पानी हमें देना पड़ता है, हमें पानी का संग्रह करना चाहिए क्योंकि पानी सीमित है, जरूरतें बढ़ती जा रही हैं। ऐसे में पानी को कैसे संग्रहित करना है, इस पर हमें विचार करना चाहिए।